हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ NTPC के जो सेवन्थ फेज के सिटी इंटीमेशन हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट जाकर वहाँ से अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NTPC का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए रेलवे भर्ती की पल पल अपडेट के लिए और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सब की पल पल अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो रेलवे ने अपने NTPC के सेवन्थ फेज के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने स्टार्ट किए हैं वो 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और वो इस मंथ के लास्ट तक जो हैं चलेंगे। इसके बाद आपका 20 दिन के बाद आपकी आंसर की जारी हो जाएगी और उससे 20 या 25 दिन बाद जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है, कंफर्मेशन नहीं है इसकी कोई, कि ना कोई नोटिस है कि आपका रिजल्ट जो है जब भी आएगा या तब आएगा या अब आएगा। इसलिए NTPC का जो एग्ज़ाम है वो बहुत डिले हो चुका है पहले से ही, इसलिए अब रेलवे बोर्ड चाहता है कि हम अपनी NTPC की परीक्षा को कंप्लीट कराकर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उनको स्टार्ट करें, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर जो वैकेंसी है वो 1 लाख से ज़्यादा है और जो कैंडिडेट उसके अंदर फॉर्म फिल किया है वो भी 1 करोड़ से ऊपर कैंडिडेट उसके अंदर फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो जो इसका उसका एग्ज़ाम है वो भी 3 मंथ से ज़्यादा तक या 3 मंथ तक जो है चलेगा। तो इसलिए ग्रुप डी के लिए भी रेलवे बोर्ड को एक सटीक प्लान रखना होगा, क्योंकि कोविड, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो भी आ चुकी है कुछ स्टेट्स के अंदर। तो आप उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे बोर्ड चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी जो है अपने NTPC का जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट करा लें, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो वो कंप्लीट करा ही लेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अगर 31 तारीख को ख़त्म हो जाता है तो 1 महीने के अंदर ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस, 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है